हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति मेहंदी आर्ट। तो आज से हम करने वाले हैं बहुत सारी हैंड की डिजाइनिंग। ओके, आज है डे 15, जिसके अंदर मैं आपको अरेबिक मेहंदी से रिलेटेड ही कुछ अलग डिजाइनिंग जो है वो यहाँ पे मैं करके दिखाने वाली हूँ। ओके, जैसे कि अरेबिक मेहंदी का डिजाइन हो गया, फुल भरवा मेहंदी हो गई। ओके, इन सभी के ना मैं दो दो तीन तीन वीडियोज जो है ना वो आप सभी के लिए लेकर आने वाली हूँ। तो डेली आप करना अच्छे से प्रैक्टिस। और ये हैंड मैंने किस तरीके से रेडी किया है ना, इसका वीडियो मैंने अपलोड किया है यहाँ पे। ऊपर आपको साइड बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने हैंड ड्रॉ करना बताया है प्रैक्टिस के लिए। ओके, एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को आप जरूर प्रेस करना ताकि वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारे बेसिक क्लासेस अभी यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट हो रखी हैं, ठीक है। अगर वो वाले वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उसके लिए भी आपको ऊपर एक आई बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप हमारी सारी पहले जो क्लासेस मैं अभी तक दे चुकी हूँ बेसिक में, वो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। वो देखना बहुत जरूरी है, नहीं देखोगे तो आपको आगे की डिजाइनिंग समझ में नहीं आएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करूंगी मैं यहाँ से, यहाँ पर ना एक बेसिक सा बॉर्डर क्रिएट करना है, ठीक है। वन फिंगर के समथिंग का करेंगे, तो यहां पर लूंगी इस तरीके से मैं लाइंस। ऐसे ज्यादा हैवी बॉर्डर लेने की जरूरत नहीं है। अरेबिक वाले में हम इस तरीके से ट्रेडिशनल अरेबिक जब करते हैं ना, तो उसमें हम बॉर्डर्स वगैरह यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो कि बहुत सुंदर डिजाइनिंग लगती है। ये ऐसे थिक लाइन ऐड करी, थिक थिन लाइंस का कॉन्सेप्ट अभी आपको पता ही है कि क्या है। यहाँ पे ऐसे देंगे फ्रिल, हथेली के जस्ट नीचे से ही मैंने स्टार्ट किया है। और अभी 50 के सब्सक्राइबर हमारे यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट होने वाले हैं, तो कमेंट्स में सजेस्ट कर दो क्या करें हम उस डे पे, कुछ ऑफर्स निकालें क्या, किसी चीज़ में डिस्काउंट चाहते हो, क्या करें हम उस दिन स्पेशल। यहाँ पे ऐसे फ्रिल देंगे और इसके ऊपर अगेन लाइन देंगे। आप पहले यहाँ पर लाइन देके भी स्टार्ट कर सकते हैं। और आप सभी जितने भी लोग अभी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज कमेंट्स जरूर किया करो, ठीक है। आगे और किस तरीके की वीडियोस आप देखना चाहते हो तभी तो मुझे पता चलेगा ना, ऐसे रैंडमली फिर कुछ भी टॉपिक्स में करा रही हूँ तो वो तो मैं करा ही रही हूँ, बट आपको किस तरीके की वीडियोस देखनी है, क्या मतलब कि डिजाइनिंग आपको करने में दिक्कत होती है वो बताओ, फिर मैं उससे रिलेटेड वीडियोस लेके आऊँ आपके लिए। और वीडियोस पसंद आते तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो। और ये जो भी क्लासेस स्टार्ट हो रखी है ना, आपके कोई भी फ्रेंड है, रिलेटिव है, उनके साथ भी इन वीडियोस को जरूर शेयर करो ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियली जिनको बहुत प्रॉब्लम रहता है, नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए काफ़ी यूजफुल ये वीडियोस होने वाली हैं सच में। और ये सीख रहे हो आप सभी, और काफ़ी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भेज भी रहे हैं अपना काम, बहुत ही अच्छा इम्प्रूव कर रहे हो आप सभी। ये किया, अभी इसका सेंटर निकाल के यहाँ पे काम करना है। स्पाइरल लेंगे इस तरीके से, इसके ऊपर ऐड करूंगी मैं फ्रिल। यहाँ इस तरीके से ऐसे देंगे, यहाँ मैं लूंगी ऐसे थ्री लीव्स का सेट, इधर ऐसे और यहाँ पे लेंगे डॉट्स। सिंपल, ये बिल्कुल सिंपल स्टार्टअप है, आप इसको भरवा मेहंदी में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देंगे हम डॉट्स छोटे छोटे इस तरीके से, ऐसे बहुत मोटे मोटे नहीं करने हैं, नॉर्मल साइज रखना है इनका, मीडियम। ये हो गया, ये देखो ऐसे। अभी इसके नेक्स्ट यहाँ पे हम चेक्स ले लेंगे, चेक्स जो मैं ड्रॉ करूँगी एक दूसरे में क्रॉस में लाइन होगी, जो उसके ऊपर वहाँ पे डॉट देना है हमें। बहुत ज़्यादा लेटा के तिरछा आपको नहीं बनाना चेक्स,
ऐसे बनाना है जैसे मैं बना रही हूँ, इसको बहुत लेटाना नहीं है। इस साइड में ऐसे बहुत ध्यान से आपको चेक्स बनाने हैं। ऑलरेडी चेक्स मैं पहले सिखा चुकी हूँ, तो जिन्होंने देखा हुआ है पहले वाले वीडियोस, उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कैसे मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। बेसिक क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? जिन्होंने डे वन से बेसिक की सारी चीज़ें देखी हुई है ना, उनके लिए बहुत ईजी होने वाली है डिज़ाइनिंग अब आगे की। जिन्होंने नहीं किया हुआ है वो पहले वो कर लेना अच्छे से, फिर आपको इजी हो जाएगा। यहाँ पे डॉट्स देने हैं जहाँ पर एक दूसरे में क्रॉस में लाइन है, बेसिक डिजाइनिंग का ही मैं यहाँ पे यूज करते हुए चल रही हूँ। ये देखो ऐसे यहाँ पे देंगे डॉट्स, ऐसे ज्यादा मोटे नहीं देने, एक दूसरे में मिक्स ना हो जाएं, इसलिए नॉर्मल साइज इनका रखना है। ये ऐसे यहाँ पे यहाँ पर ये पूरा चेक्स जो है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके ऊपर डिजाइनिंग करनी है, हमें इस तरीके से इधर लेके जाना है डिजाइन। आप मिडल फिंगर में भी डिजाइनिंग कर सकते हैं, या फिर छोटी वाली जो फिंगर है उसकी तरफ भी आप डिजाइनिंग लेके जा सकते हैं। तो आपने साइड वाली तो खैर देखी है बहुत सारी डिजाइनिंग ऐसे वाले, एक काम करते हैं यहाँ से मिडिल फिंगर में या फिर स्ट्रेट मिडिल फिंगर में डिजाइनिंग लेके जाते हैं, ठीक है? स्ट्रेट चलते हैं इस बार, थोड़ा सा डिफरेंट चीज करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो सेंटर निकाल लेना है यहाँ पे इस तरीके से। ऐसे छोटा मैं सेमी सर्कल लूंगी डीप में, यहाँ पर ऐसे किया, इसके ऊपर मैं ऐसे लूंगी आउटलाइन अगेन। यहाँ पे आप बीच में लोटस या फिर कुछ और एनी अदर फ्लावर यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको सिर्फ लीव्स का सेट यूज करना है आप वो भी इधर कर सकते हो, बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल लगता है। यहाँ पे हम लोटस ऐड कर लेंगे, लोटस की जगह और हमें क्या ऐड करना चाहिए वो बताओ नेक्स्ट डिजाइनिंग में। लोटस की तो अच्छे से प्रैक्टिस हो गई होगी आपकी। मैं ज़्यादातर ये लोटस वगैरह भी इसलिए ले रही हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी ही सिमिलर जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो इन्हीं को बार बार बैक टू बैक बनाने की। प्रैक्टिस देखो आपको ऐसी ही करनी है, जो चीज़ें आपने सीखी है उनको बार बार प्रैक्टिस में लेके आओगे ना तो डिज़ाइन याद रहता है। किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट किया था डिज़ाइन कैसे याद रखें, इसके ऊपर वीडियो लाएं, तो ये वाला टॉपिक पे कुछ डेज में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? पहले आप इसको प्रैक्टिस करो, इसको करते करते भी डेली करोगे तो प्रैक्टिस करते करते आपको बेसिक बॉर्डर बेसिक चेक सब की डिजाइनिंग की आपकी प्रैक्टिस होगी। ऐसे करेंगे फिर से यहाँ पे ये इसके ऊपर लूंगी मैं फ्रिल। ये करेंगे और आप कोई इमेज भी मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, ठीक है? जो डिजाइनिंग आप चाहते हो मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊं, ठीक है? कि आपको इमेज को देख के जब प्रैक्टिस करते हैं तो आप कैसे कर सकते हो, जरूर मेरे साथ शेयर करना इंस्टाग्राम पे कोई भी ऐसा इमेज जो आप चाहते हैं कि बेसिक में करना। ओके, ऐसा नहीं है कोई फिगर का काम आपने उठा के भेज दिया, बेसिक में करना क्योंकि अभी बेसिक डिजाइनिंग ही सारी स्टार्ट हो रखी है।
बेसिक में भी देखो कितनी अच्छी चीजें हैं, बेसिक में भी हम कितनी अच्छी अच्छी डिजाइनिंग यहाँ पे कर रहे हैं विदाउट एनी फिगर, क्योंकि आपको ज्यादातर क्लाइंट्स ऐसे वाले आपको मिलेंगे जिनको सिंपल प्लेन डिजाइनिंग चाहिए, जिनके यहाँ पे बहुत क्लाइंट उतना पे नहीं करते हैं या फिर मेहंदी को इतना नहीं समझते हैं, ठीक है। वैसी जगह पे काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट उनके हिसाब से भी आपको काम करना आना चाहिए। यहाँ मैं ऐसे ऐड करूँगी स्पाइरल, इधर ऐड करनी है फ्रिल, यहाँ पर भी ऐसे ही डालेंगे। यहाँ पे ऐसे थिक आउटलाइन देनी है। थिक आउटलाइन मतलब थिक कर्व्स देने हैं ऐसे। आप अलग से कर्व ड्रॉ करके उसके अंदर फिलिंग भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ से इस डायरेक्शन में मैं ऐसे लीव्स ऐड कर दूंगी नीचे की तरफ, कर्व करके डॉट और ये ऐसे। अब आएंगे और ऊपर की तरफ डिजाइनिंग पे। यहाँ ये शेप लेंगे ऐसे, यहाँ से कर्व कर दिया और इसके ऊपर कर्व कर देंगे ऐसे। यहाँ पे ऐसे लाइंस ली, जाना हमें स्ट्रेट है तो उसके हिसाब से करना है, तिरछा मत लेके जाना। कर्व करके स्पाइरल किया, यहाँ पे ऐसे आपको लीव्स की सेट ऐड करनी है। यहाँ ऐसे जाएंगे इधर और इधर देंगे हम फ्रिल। इसके बाद ऊपर की तरफ डिजाइन उठाने के लिए यहाँ पे ये जो बीच वाला हिस्सा है यहाँ पे हम अगेन सेम ये शेप भी ले सकते हैं या फिर कर्व करके कोई शेप ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने सोचा है इतने हिस्से में मैं ऐड करूंगी स्पाइरल, इसके ऊपर लेंगे फ्रिल, यहाँ पे लेंगे ऐसे डीप में कर्व्स 3। डायरेक्ट भी आप थिक कर्व्स ऐड कर सकते हैं ऐसे, ध्यान रखना है आपस में ये चिपके ना, ठीक है। इस तरीके से ये हुआ, इसके बाद अगेन यहाँ पे मैं कर्व करूंगी, इसके ऊपर फिर से ऐसे ही शेप क्रिएट कर देंगे। ये
इस साइड में ऐसे लीव्स ले ली, यहां मैं ऐसे कर्व करके एक बेस क्रिएट करूंगी। देखो कोई भी डिजाइनिंग आपको अपर में अगर उठानी है तो उसके लिए आपको एक बेस क्रिएट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप बेस क्रिएट नहीं करते हो तो फिर इसके ऊपर डिजाइनिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है? तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ऐसे बड़ी वाली फ्रिल ऐड करूंगी, थिक लाइन दी, अगेन यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। जब मैं ऐसे डिटेल में समझाती हूँ ना तो देखो वीडियोस थोड़े लंबे हो सकते हैं, ओके? बहुत लोग ऐसे होते कि बस जल्दी जल्दी करते हुए भागो या ऐसे करो, तो वो मेरे को नहीं पसंद है, मुझे डिटेल में सिखाना पसंद है, ठीक है? आपको भी डिटेल में सीखना पसंद है बताओ, या फिर सिंपल प्लेन वीडियो चलती जा रही है, सॉन्ग चल रहा है, बस ऐसा वाला पसंद है? जो चीजें आप लोगों को ऑलरेडी आती है ना, मैं वो वाले वीडियोस इस तरीके से कभी कभार डालती हूँ, नहीं तो अभी तो हम सारा प्रॉपर पूरा सीख ही रहे, क्लासेस हैं। यहाँ ऐसे कर्व किया, थिक कर देंगे, बस आपको इस तरीके से लीव्स कर्व के साथ में डॉट्स ऐसी बेसिक चीज़ें लेते हुए ही आगे की तरफ डिज़ाइन को अपर में लेके जाना है। नेक्स्ट इसके बाद आगे यहाँ पर देखो आप ये बॉर्डर ले सकते हैं लीव्स का, ये करेंगे इसके ऊपर डीप में कर्व। इसको थिक कर दूंगी मैं, यहाँ पे मैं ऐसे बस छोटे छोटे डॉट्स दे के एंडिंग कर दूंगी। अब इधर वाले पोर्शन में क्या करना है, यहाँ पर लूंगी मैं कैरी का शेप, आप चाहे तो बहुत सिंपल डिजाइनिंग भी रख सकते हैं फिंगर में, और इस तरीके से हैवी फिलिंग वाला वर्क करना है वो भी आप कर सकते हो। पर टिप फिल करनी है तो उसके लिए स्पेस छोड़ सकते हैं। अब इस पूरे में मैं बाकी में पूरा ये फिलर एलिमेंट ही स्पाइरल वाला फिल करूंगी। यहाँ से फिर ऐसे ही ये स्टार्ट किया, पूरा टच करते हुए ड्रॉ करना है।
ये किया है यहाँ पे पूरा ऐसे। यहाँ पे मैं इस तरीके से लीफ वाली डिजाइनिंग कर दूंगी, कर्व करके डॉट। एंडिंग ऐसे अच्छी आप कर सकते हो, अगर फिंगर में थिक फिलिंग नहीं करनी है तो कुछ ऐसा आप डिजाइनिंग कर सकते हैं एंडिंग में। सिंपल ये यहाँ पे डॉट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हुआ। इसके बाद में अभी इसके अंदर फिलिंग वर्क करेंगे। कर्व करके इसको थिक फिल किया, यहाँ पे ऐसे कर्व कर देंगे। लेयर बाय लेयर डिज़ाइनिंग करनी है आपको, सिंपल सोबर सी। आप सिंगल फिलर एलिमेंट शेक्स की डिज़ाइनिंग इधर ले सकते हैं। यहाँ पे ये ज़िगज़ैग लाइन वाला चेक्स मैं ऐड कर दूंगी। यहाँ डॉट दे देंगे। इसको कर देंगे हम थिक आउट लाइन, इसको इसमें मर्ज। ऐसे ये यहाँ पे ऐसे लीफ देंगे, कर्व करके डॉट इधर ऐसे लीफ। इसके बाद में यहाँ बीच वाले एरिया में इधर आप फिंगर्स भी फिल कर सकते हो। ठीक है, मैं फिंगर्स फिल नहीं करूँगी, मुझे सिंपल सा चाहिए था तो इसलिए मैं इसको इतने में ही फिनिश करने वाली हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबा भी हो रहा है इसीलिए बस मैं इसको इतने में भी फिनिश कर दूंगी। ओके, फिंगर्स की डिज़ाइनिंग मैं बाद में अगर मुझे ऐड करनी होगी ऐड कर दूंगी, और इसका फुल फोटो जो है वो मैं इंस्टाग्राम पे शेयर करूंगी। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी मैं बहुत सारी चीज़ें अपडेट करती हूँ, तो वहाँ पर अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो मेरे अकाउंट का फॉलो कर लेना। स्क्रीन पे मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको देखने के लिए मिलेगी। स्पायरल लिया, इसके ऊपर फ्रिल ऐड कर दिया ऐसे। यहाँ पे डॉट ले लेंगे, इसके ऊपर कर्व कर देंगे, इसको थिक कर देंगे। ये ऐसे किया, इसमें भी चाहें तो सेम ऐसी ही डिजाइनिंग ले सकते हैं। मैं सेम यही ऐड कर रही हूँ। कुछ कुछ चीज़ें सेम आप ले सकते हैं एक साथ भी, ऐसा नहीं है नहीं ले सकते हो, बट वो अच्छी दिखनी चाहिए। मतलब कि थोड़े बहुत ऊपर देखो, जैसे कि मैंने इसमें चेंज कर दिया तो दोनों में अलग अलग शेप्स आ गई ना, अलग अलग सॉरी डिज़ाइनिंग आ गई। ऊपर ये वाली डिजाइनिंग चेंज करके नीचे सेम यही ले लिया ऐसे। अब जब आप ये कर लो ना, तो ये करने के बाद आप हाथ पे ऐसे आउटलाइन भी दे दो एक, ठीक है, ताकि ये अच्छे से हो जाए।
हैंड रेडी हमारा। देखो लाइन डालने के बाद और अच्छी इसकी लुक आ रही है। मतलब कि आपको डिस्प्ले वगैरह करना हो, किसी को डिजाइनिंग दिखानी हो तो सुंदर लगता है ऐसे। ठीक है, अपनी खुद की शीट वो फाइल क्रिएट करनी हो उसमें आप इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। इन फ्यूचर किसी को क्लासेस देते हैं तो डिज़ाइन सब सेव करके रख सकते हो। इस तरह से मैं ऐसे पूरा आउटलाइन दे दूंगी। यहाँ ऐसे ये फाइनली हमारी डिजाइनिंग हो गई है बनके रेडी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में बहुत तो फाइनली ये हमारी डिजाइनिंग हो गई है बनके रेडी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना और अपना बहुत सारा प्यार देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।